हमें ये गौर फरमाना चाहिए कि हम कैसे क्वालिफाई करें, भारत कैसे क्वालिफाई करे, और अगर करता है, और जो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार पाकिस्तान दोबारा मिले इंडिया को, चाहे वो फाइनल में मिले या फिर कहीं और मिले, जहां भी मिलेगा मैच अब होगा ना, तो फिर देखते हैं कि कैसे किसने किसको कहां धूल चटाई थी। ले भाई से पंगा। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। कैसे पहुंच जाएं? न्यूजीलैंड घास काटने आया हुआ था। न्यूजीलैंड घास काटने तो आया नहीं था। और भाई साहब, लास्ट तीन आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपको न्यूजीलैंड ने ही अंत में जाके डंक मारा है, इवन आज भी अगर आप ले लें। आज तो उस पागल को ए क्यों चिल्ला रहे यार, तेरी तो मैं बोलना। क्या हुआ? हवा निकल गई, जरा ऊंची आवाज की तो इसकी हवा निकल गई। रखो तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? आठ विकेट से हुई है जीत भाई न्यूजीलैंड की, और इसी के साथ ये अब तो खैर सबके सामने पिक्चर क्लियर है कि अब इंडिया का जो रास्ता है, इंडिया की जो उम्मीदें हैं अब सेमीफाइनल वाली, वो होती हैं खत्म। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पता नहीं क्या खा के मैच में उतर रही है, ये हर किसी को खा रही है भूखे शेरों की तरह। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने इस हार के बाद न्यूजीलैंड का नाम चेंज कर दिया, आपको पता है क्या? न्यूजीलैंड से नाम चेंज करके उन्होंने रख दिया है न्यू जलील लैंड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। अगर पाकिस्तान जीत गया अभी मौके पे मशीन या उतरा पकड़ के मुझे मेरी कटेगी बॉलीवुड आड़ी रखी। फिर क्या हुआ? तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या आपका मुंह काला हो गया? जो डर गया समझो मर गया। तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। हम तो पहले ही डूब गए थे सनम, बस था इंतजार तुम्हारा कि आओगे तुम जरूर लौट कर, कि आओगे तुम जरूर लौट कर। बड़ी दुआएं की बड़ी नियाजें दी तुम्हारे पीछे, बड़ी दुआएं की बड़ी नियाजें दी तुम्हारे पीछे। आखिर काम आ गई मेरी दुआएं आज के दिन, आखिर काम आ गई दुआएं मेरी आज के दिन। न हम जीते न तुम जीते, न हम जीते न तुम जीते, बाजी कोई और ले गया। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ सनम, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ सनम। हम और तुम आज एक जैसे हो गए।